दिखाई देता है राजा हरिश्चंद्र को कि घाट के ऊपर कोई पानी भरने के लिए आई है। आइए किस प्रकार से वार्तालाप होते हैं दोनों के सुनिए। देवी जी आप कौन हैं जो इस घाट पर पानी भरने के लिए आई हैं और आपसे मेरी हाथ जोड़कर ये विनती है, ये प्रार्थना है कि जो मेरा घड़ा ये पानी का भरा हुआ है इस घड़े को हाथ लगा दो और मेरे सिर पे ये घड़ा टिकवा दो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हे महाराज, मैं आपकी पत्नी तारा हूँ, अगर आज मैंने आपके घड़े को हाथ लगा दिया तो मैं एक ब्राह्मणी के घर में रहती हूँ, अगर उस ब्राह्मणी को ये पता लग गया कि मैंने आपके घड़े को हाथ लगाया है तो वो ब्राह्मणी मुझे घर में नहीं रहने देगी महाराज। प्रेमियों, राजा हरिश्चंद्र को पता लग जाता है कि वरना नदी पर उस घाट पर घड़ा भरने के लिए खुद की पत्नी तारावती आई हुई है। तारावती से हाथ जोड़कर गुजारिश करता है लेकिन धर्म की बात आगे अड़ा देती है। वो तारावती कहने लगी, महाराज तुम एक भंगी के घर में नौकरी करते हो और मैं ब्राह्मण के घर में, अगर मैंने तुम्हारे घड़े को हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म खराब हो जाएगा। दोनों के सवाल जवाब होते हैं, रोता है बिलखता है वो राजा हरिश्चंद्र लेकिन तारावती घड़े को हाथ नहीं लगाती है। सुनिए किस प्रकार से बताया। समय कराए खेल मनुष्य रोता है और नर से बड़ा बलवान समय होता है। सदा किसकी बनी रही है, सदा किसकी बनी रहेगी, सदा किसकी तनी रही है, सदा किसकी तनी रहेगी। बनी के मुख पर लाखों निसार होते हैं और जब बनकर बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। मेरी बात सुन ले रानी। कहिए महाराज। एरे एक बैरानी खड़ा ठुआते हैं, तू एक बैरानी खड़ा ठुआते, अरे यो जाता को न्या ठाया, क्यों कर खड़ा थवा तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया, कर खड़ा थवा तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। तेरी एक बैरानी खड़ा ठुआ दे, एक बैरानी खड़ा यो जाता को न्या तेरे कहने का मतलब ये है रानी कि अगर तू मेरे घड़े को हाथ लगा देगी तो तेरा धर्म खराब हो जाएगा। जी महाराज। लेकिन मनेठी से भाई साहब 20 रुपए से सम्मान करते हैं, धन्यवाद है। लेकिन रानी एक धर्म तेरा और भी बढ़ता है, जो औरत दुख विपदा के अंदर अपने पति का साथ ना दे ये भी धर्म के खिलाफ होता है। मेरी बात सुन ले, अगर तेरा धर्म खराब होता है घड़े को हाथ लगाने से तो मैं तेरे को एक उपाय बताता हूँ। मेरी बात सुन, घड़ा ठुआ के हाथ धो लिए, घड़ा ठुआ करी हाथ धो लिए, के घट जागा तेरा, धर्म कर्म की पता का मन को न्या पट्या बेरा, तू भंगी कनी रे
चाहती है कि मैं भंगी के घर में नौकरी करता हूँ जी महाराज, लेकिन आज तक 21 दिन हो गए मेरे को उस भंगी के घर में नौकरी करते हुए। आज तक मैंने उसका ना तो कोई कपड़ा पहना है, ना उसका दिया हुआ टुकड़ा खाया है। मेरी बात सुन, एरे नत्ते कपड़े ना पहरे, दिखे लत्ते कपड़े ना पहरे, ना अन भंगी का खाया। राजा हरिश्चंद्र विनती करता है, रानी जी महाराज, इस घड़े के अंदर बोझ ज्यादा है और मेरे शरीर में ताकत नहीं रह रही, तेरा बड़ा उपकार होगा, इस घड़े को हाथ लगा दे, मेरे सर पे ये घड़ा टिकवा दे। हे महाराज, अगर आप मुझे ज्यादा मजबूर करते हो तो मैं इस घड़े को उठा तो नहीं सकती, लेकिन एक विधि बता सकती हूँ जिसके कारण आपका ये घड़ा आपके सिर पर आ जाएगा। तू मेरी बात सुन, कहिए। जाथर थोड़ा, जाथर का मतलब होता है शरीर के अंदर ताकत नहीं बची है। जाथर थोड़ा बोझा भारी, जाथर थोड़ा बोझा भारी, क्यों कर घड़ा उठा ले। जल में गोता मार पिया जी, नीची नार झुका ले। प्रेमियों, रानी विधि बताती है कि महाराज इस जल के अंदर गोता मारिए। आप सब विद्वान श्रोता हैं, जल के अंदर गोता मारने से जो घड़ा है वो अपने आप सर पर आ जाएगा। राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है कि वास्तव में बड़ी अच्छी विधि बताई। लेकिन प्रेमियों, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र पानी के अंदर गोता मारता है, घड़ा सर पर आया और घड़े को लेकर जैसे ही नदी से बाहर निकलता है तो पैर कांप जाते हैं राजा हरिश्चंद्र के, धरती और आसमान डोलते हुए नजर आते हैं और अपने आप घड़ा हाथ से छुटकर वापस नदी में पड़ जाता है। क्या कहने लगे आप? ए रे जाथर थोड़ा बोझा भारी, रे क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, बेशक ते अजमा ले। रकुन सी विधि बता वैसे तू, वो भी भ्रम मिटा ले। जल में गोता मारण का, दिखे जल में गोता मारण का, तन ठीक यो जतन बताया। और तड़े न हो गए ठाले, क्यों इतना दुख पाया। चुप कर घड़ा उठवा जी, जागी मेरी काया। चुप कर घड़ा उठवा जी, जागी मेरी काया।
बताई। कहिए महाराज। जो विधि तुमने बताई है उस विधि का मैंने प्रयोग किया, लेकिन जैसे ही घड़े को लेकर मैं बाहर निकलता हूँ मेरे पैर कांपने लग जाते हैं। और एक बात मैं तेरे को और बताता हूँ, कौन सी? अगर पानी ले जाने में मैं 5 मिनट भी लेट हो जाता हूँ तो तू मेरा शरीर दे सकती है। वो कालिया भंगी मेरे पे इतने जुल्म करता है, कोड़े मार मार कर मेरे गात को सुजा देता है। प्रेमी साथियों ये सच्चाई थी। 5 मिनट के लिए भी अगर राजा हरिश्चंद्र पानी ले जाने से लेट हो जाता था तो रोज मार पड़ती थी और खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। रानी आपसे बार बार मेरी विनती है, तू जो धर्म का बार बार ओड्डा ले रही है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अपने पति का साथ देना भी एक धर्म होता है। और दुख विपदा के अंदर जो नारी ये धर्म की झूठी बातें बीच में लाती हैं वो असल में अपना धर्म निभाती नहीं है। मेरी बात सुन ले और उसका सही सही जवाब दे दे। सुन ले, अरे हाथ धो लिए पैर धो लिए, हाथ धो लिए पैर धो लिए और नहा लिए जल में। पखत पड़े पे तो खा तेरी, पखत पड़े पे तो खा तेरी, यो फर्क आ लिया दिल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में, उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। उसका मतलब रानी तू ये ताना मार रही है। रानी ने ताना मारा कि महाराज उस दिन को याद करो, काशी के अंदर जब मोल लग रहा था मैंने बार बार विनती करी कि महाराज अपने राज को वापस ले जाओ, लेकिन बात नहीं मानी। वो बदला तू आज मेरे से ले रही है वो तो समय समय की बात होती है। सुन ले मेरी बात, ये समय समय के खेल बावली, समय समय के खेल बावली, या डलती फिरती छाया कहे सुने कि ना मानी तने राज बाटिराया। अरे सत का बंधन जीव के जिम्मे, सत का बंधन जीव के जिम्मे, जन्म लिए तो जा सोच समझ के ओ साजन तू सुकर्म के फल भोजा। जोर नहीं अगत की बात बिचारे, नहीं अगत की बात बिचारे, राह में काटे बोझा उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े बस हो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े बस हो जा। गुरु मान सिंह ने दुख विपता का, मान सिंह ने दुख विपता का ठीक यो जतन बताया। I'm not afraid.